मैन एंड मोटर के नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं इस समय मेरे सामने मौजूद है रॉयल इनफील्ड की टॉप मॉडल हंटर 350 मेट्रो की वाइट ब्लू कलर। काफ़ी खूबसूरत लगता है मुझे पर्सनली रूप से ये कलर। आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो दर्शक नए हैं फटाफट, क्योंकि आपको गाड़ी से रिलेटेड मोटो से रिलेटेड काफ़ी अच्छे ब्लॉग्स बनारस में देखने को मिलेंगे। तो बनारस के भाई जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें, बाकी मेरे भाई तो सब्सक्राइब कर ही दें। तो अब चलिए बात करते हैं ये रॉयल इनफील्ड की मेट्रो सेगमेंट की। ये बाइक काफ़ी खूबसूरत है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 349 cc 5 स्पीड मैनुअल, 177 kg वेट, 13 लीटर का टैंक और 800 mm की सीट हाइट, जो कि शॉर्ट राइडर के लिए काफ़ी अच्छी है। और 20.2 bhp की पावर के साथ ये बाइक आती है। कुछ इस तरह से इसका फ्रंट लुक आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी मेट्रो, चूँकि स्पोर्ट्स और रॉयल इनफील्ड का दोनों टच फील इस बाइक में आपको देखने को मिलेगा। टायर की बात करें तो सीएट के टायर 110/70/70 सेक्शन के काफ़ी अच्छे, काफ़ी ब्रॉड टायर है और आप देख सकते हैं 110/70/70। और कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं डिस्क प्लेट्स है 320 mm का, जो कि बाइब्री की ब्रेकिंग डुअल चैनल ABS के साथ ही आती है। साइड में रिफ्लेक्टर आपको देखने को मिलेगा और ये शॉक एब्जॉर्बर पे रबर देखने को मिलेगा। पहली बार रॉयल इनफील्ड ने फाइबर यूज़ किया है, जो कि आप देख सकते हैं फ्रंट मेट गार्ड फाइबर का है, लेकिन काफ़ी मजबूत देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह से ये बाइक प्रोवाइड करती है मिक्सअप में। और आप देख सकते हैं ओवल शेप में इसका हैलोजन है, लेकिन क्रो काफ़ी अच्छा हेडलाइट का, आप इसको LED में विकल्प है आपके पास, बदलवा सकते हैं रॉयल इनफील्ड से ही। इंडिकेटर की बात करूँ तो ये दो कलर में आते हैं, क्रोम में, ग्लॉसी फिनिश में। ये इस पर अभी ग्लॉसी ब्लैक लगा हुआ है, जो कि वाइट LED इंडिकेटर से हैजार्ड के साथ काफ़ी खूबसूरत लुक आपको प्रोवाइड करा देंगे। सामने एसेसरीज के तौर पे सनवाइज़र लगा हुआ है आपको, जो कि काफ़ी मदद करेगा। और ये ग्रिप काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कराया है, जब मैं बाइक को चला रहा था तो मुझे काफ़ी स्मूथ और ये ग्रिप काफ़ी अच्छा लगा। ये मीडियोट से प्रेरित आपको रॉयल इनफील्ड के बटन देखेंगे स्विच लाइट्स के पास के, और ये आई बटन आपको ट्रिप सेट करने के लिए, ये इंडिकेटर का बटन, और नीचे आपको जो हॉर्न दिया गया है। तो कुछ इस तरह से बटन भी काफ़ी अच्छे हैं। रॉयल इनफील्ड की चाबी आपको दिखाऊं तो रॉयल इनफील्ड जैसे और बाकी को चाबी आते तो वैसे ही कुछ ओवल शेप में रॉयल इनफील्ड के बैजिंग के साथ आपको देखने को चाबी मिलेगी। चलिए जल्दी फटाफट आपको मीटर कंसोल स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि कुछ इस तरफ से मीटियोर से प्रेरित लेकिन बोल्ड साइज में डिजिटल काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर लिटिप होते ब्राइटनेस वाइट लाइट में मिल जाएगा। बैटरी की वार्निंग, इंजन माल फंक्शन और न्यूट्रल आपको यहाँ नीचे देखने को मिलेगा। बाकी ट्रिप ए ट्रिप बी गियर इंडिकेशन और टाइमिंग आपको बीच में देखने को मिलेगा। एनालॉग आपकी सुई देखने को मिलेगी। कुछ इस तरह से बात करें तो पेंट स्कीम इसका मेट में है, वाइट ब्लू काफ़ी अच्छा है। कुशनिंग की बात करें तो सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी दी गई है और काफ़ी फैब्रिक अच्छा है। इसको भी आप आफ्टर चेंज करा सकते हैं, रॉयल इनफील्ड से ही मौजूद है। लेग गार्ड की बात करें रॉयल इनफील्ड की तरफ से काफ़ी मजबूत देखने को मिलेगा। इंजन गार्ड भी आता है, वो भी आप ज़रूर लगवाएं क्योंकि वो काफ़ी प्रोटेक्ट करता है इंजन को नीचे से। 100 350 की साइड में रॉयल इनफील्ड 100 350 की पैनल पर बेजिंग दी गई है। कुछ इस तरह से पीछे रियर शॉक एब्जॉर्बर आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको काफ़ी गड्ढों से और उससे स्टीफर सेट पे तो काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करेगा चलाने पे। तो कुछ इस तरह से पूरी रॉयल इनफील्ड का बैक लुक देखिए आप। ये भी LED दिया गया आपको और ये इंडिकेटर भी LED है, और ये जो है फाइबर है लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, ये प्लास्टिक है। इसमें LED लाइट्स आपको प्रोवाइड की दी गई है नंबर प्लेट के लिए। तो कुछ इस तरह से रॉयल इनफील्ड मेट्रो का बैक लुक आपको ये, और ये आपको साइड में आपको देखने को मिलेगा। 220 mm के रियर डिस्क ब्रेक है, चूँकि डुअल चैनल है। 140/70/70 का रियर टायर जो काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी अच्छा है, और सीएट के टायर है, काफ़ी अच्छे ग्रिप्स प्रोवाइड करते हैं। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं
साइलेंसर फुटरेस की बात करें तो कॉन्टिनेंटल GT650 से प्रेरित रबराइज इसमें फुटरेस दिए गए हैं दोनों, और साइलेंसर की बात करें तो एग्जॉस्ट टिप काफ़ी अच्छा इस बार हट के कुछ रॉयल इनफील्ड ने किया है, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पोर्टी लुक रॉयल इनफील्ड मेट्रो 350 को देता है। तो आप लोग बताएं दोस्तों, कैसा लगा आपको पूरा मेट्रो 350 का ओवरव्यू? मैंने रेड ब्लैक कलर का भी किया हुआ है, आप चैनल पे जा सकते देख सकते हैं वीडियो को। इसके रेड रेबल रेड ब्लैक कलर को, सिल्वर और ब्लैक कलर का मैंने ऑलरेडी वीडियो और शॉर्ट को बना रखा है। तो कुछ इस तरह से इसका फ्रंट लुक आप देख सकते हैं, लाइट कितनी ब्राइट अप है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं रॉयल इनफील्ड अंडर 350 को। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें मैन एंड मोटर को, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मोटो से रिलेटेड, कार और बाइक के रिव्यू से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। तब तक के लिए टिल देन, बाय बाय, टेक।